के मुख्यमंत्री कहते हैं अधिकारियों के काम ऐसा करना चाहिए सरकार के छवि बदनाम ना हो, पर बलिया के स्वास्थ्य विभाग के कार्यालयों में लिपिक मनमानी का आलम था। लोगों को सुपर CBIPO के साथ ही दिया गया है। आप देख सकते हैं कि वित्तीय अनियमितता के कई बार लिपिक होना पड़ता है, लेकिन सुपर CMO कह रहे हैं कि लिपिक दया शंकर का वर्मा पर पहुंचने के कारण पहली बार हो चुका है। आप बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के मनमानी तरीके से संविदा कर्मियों को नियुक्त भी जारी अनियमित बरती गयी है। सारे रिकॉर्ड अपने पास रखे गए हैं, विभाग के गुमराह रखा गया। जब सरकारी कार्य वादा पहुंचने लगा है तो टीम गठित सुपर CMO के ताला तोड़ गया है। वहीं बलिया के आम जनता को कह रही है कि स्वास्थ्य विभाग के बाबू स्वास्थ्य विभाग का बेड़ा गर्क किया गया है। ऐसा में चर्चित बाबुल को राजनीतिक रजिस्टर का अड भी किया जाए। कर्मचारियों के साथ अन्याय लोग भी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल के लिए मुन्ना सिंह जी की रिपोर्ट। NHM से संबंधित जो संविदा के कर्मचारी थे उनका इस्टेब्लिशमेंट था और डिप्टी CMO फर्स्ट से संबंधित अभिलेख थे, जो कि अनुपलब्धता की स्थिति में NHM के ह्यूमन रिसोर्स का पता नहीं लग पा रहा था और न तो डिप्टी CMO फर्स्ट के अंदर में कौन है क्या है उसके क्या वो हैं ग्रीवेंसेस हैं क्या अच्छाइयाँ हैं क्या उसमें बुराइयाँ हैं ये सब पता नहीं लग पा रही थी। किसी भी चीज़ का जवाब देने में कठिनाई हो रही थी। तो ये हुआ कि डिप्टी CMO फर्स्ट और NHM का कार्यालय यही है, यही बंद है ताला। अगर कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है और यह साबित हो जाता है कि जो नया बाबू है उसको कोई चार्ज नहीं दिया गया, पुराना बाबू इससे पुराना जो है उसको भी कोई चार्ज नहीं दिया गया, तो अल्टीमेटली जो सबसे पुराना बाबू है चार्ज उसके ऊपर जाएगा। आसिफ जैदी मेरा नाम है। जिला चिकित्सालय में जो सूत्रों द्वारा खबर लगी है वो यही लगी है कि कोई कार्यालय को आज खोला गया है। अपर CMO और सिटी मजिस्ट्रेट साहब की शायद जानकारी में हो ये बात, तो उसमें ये बहुत अचंभित करने वाली बातें हैं कि कोई कार्यालय इतने दिनों से बंद रहा और CMO को जानकारी नहीं है, या इस तरह से ज़रूरी उस पर कोई ज़रूरी कागजात होंगे जब ऑफिस से, तो ऐसा कि जिस जो सुनने में आ रही जिस व्यक्ति से संबंधित ये बातें हैं तो वो आदमी हमेशा विवादित रहा है और उसी चक्कर में वो सस्पेंड भी कई बार हुआ और देखा ये जा रहा है कि, लेकिन सबसे अचंभित करने वाली बात है ये कार्यालय इतने दिनों से बंद रहा, ज़रूरी कागजात उस पर थे और वहाँ के अस्पताल प्रशासन ने बहुत देर में इस बात को संज्ञान लिया, बहुत पहले लेना चाहिए था।